हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश व्हिच इज़ द वंडर कॉल्ड स्लीप स्लीप मतलब नींद नींद जो कि एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है प्लस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी भी है आपने कई बार बड़े लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि उनको नींद नहीं आती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है जितने भी आपके पूरे दिन की थकान है काम करके आपको होती है वो सब ठीक हो जाती है अगर आपको एक अच्छी नींद मिल जाए और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं लोगों के मन में होते हैं बच्चों के स्पेशली कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है क्यों हमें नींद आती है सपने क्यों आते हैं एंड एवरी तो चलिए चैप्टर को रीड करेंगे और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर उससे पहले कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स बिगिन आर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीक आफ्टर अ गुड स्लीप फटीक मतलब होता है थकान तो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी जो है वो रिकवर करती है फटीग से थकान से जो कि आपको पूरे दिन के काम करने के बाद होती है वी ड्रीम वाइल्ड स्लीपिंग आप सपने भी देखते हैं जब आप सोते हैं बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आर ड्रीम्स लेकिन हमें हमेशा अपने सपने याद नहीं रहते ड्यूरिंग स्लीप नींद के दौरान आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर आपके जो दिल की धड़कन है हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है एंड आट टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है और बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे सो वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि नींद क्या है डो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली कॉजिज स्लीप हालांकि हम ये नहीं जानते कि हमें नींद क्यों आती है इसका क्या कारण है स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट स्लीप नींद ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ एक रेस्ट का स्टेट है स्टेट ऑफ रेस्ट है बॉडी का शरीर की एक स्टेट है आराम की जिसमें आप आराम कर रहे हैं एन अनकॉन्शियस रेस्ट एक ऐसा रेस्ट ऐसा आराम जिसमें आप अनकॉन्शियस है बेहोश है एक तो आराम वो भी होता है ना बैठे हुए नॉर्मल लेकिन सब चीजें देख रहे हैं लेकिन यहां पे आप बिल्कुल होश में नहीं रहते वेन वी स्लीप जब आप सोते हैं आर बॉडी recovers फ्रॉम fatigue caused बाई डेज एक्टिविटीज पूरे दिन के एक्टिविटीज से आपको जो थकान हुई है उससे आपकी बॉडी रिकवर करती है आफ्टर गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स और जो वो रेस्ट आराम देती है आपको वी बिकम अलर्ट आप फिर से अलर्ट एंड एक्टिव हो जाते हो अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे और अगले दिन की एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाते हो वेन वी वेकअप इन द मॉर्निंग जब हम सुबह जागते हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वॉट हैपन वेन वी वर स्लीप जब आप सुबह जागते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको याद रहे कि क्या हुआ जब आप सो रहे थे वी मे रिमेंबर अ ड्रीम आपको कोई सपना याद रह सकता है बट द रेस्ट ऑफ आर स्लीप वॉज़ अ काइंड ऑफ डार्कनेस लेकिन बाकी जब आप सो रहे होते हैं आपकी जो नींद है वो बिल्कुल एक तरीके का अंधेरा होता है इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस जिसमें आपको लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा था सिर्फ डार्कनेस की ना आपको कुछ याद होता है सेवरल थिंग्स हैपन टू आर बॉडी वेन वी आर स्लीपिंग हमारे शरीर में कुछ चीज़ें होती है जब आप सो रहे होते हैं एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप जब हम सिंक कर जाते हैं डूब जाते हैं गहरी नींद में आर मसल्स रिलैक्स हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती है रिलैक्स मोर ज़्यादा आराम करती है एंड मोर आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर आपकी जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है आर टेम्परेचर एंड बी पी गोज गो डाउन आपका जो ब्लड प्रेशर है टेम्परेचर है वो कम होता है दी एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन आपका जो ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है जब आप जागरे होते हैं वो भी धीरे धीरे जो है स्लोज डाउन स्लो धीरे धीरे होने लगता है सो दैट वी कॉन्ट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली जिससे कि आप सोच नहीं पाते और एक्ट नहीं कर पाते जिससे कि आप कॉन्शियसली करते हैं होश में करते हैं बट वी ड्रीम लेकिन उस टाइम आपको सपने दिखाई देते हैं वेन वी वेकअप और जब आप जागते हैं आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज़ टू नॉर्मल आपका बी पी और टेम्परेचर जो है वो फिर से राइज होकर नॉर्मल होने लगता है आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है और हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाती है एंड वी आर फुल्ली अवेक और फिर हम पूरे तरीके से जाग जाते हैं एंड हैव फोरगटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल और ज़्यादातर चीज़ें अगर पूरी नम ना कहे लेकिन उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप भूल जाते हैं द ड्रीम्स दैट वी हैड बाई स्लीपिंग आपको जो सपने आए हैं उनमें से काफ़ी आप भूल जाते हैं कुछ एक ही आपको याद रहते हैं रहती है अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड वेन वी आर अस्लीप ड्रीम क्या है सपना क्या है आपके माइंड की एक एक्टिविटी है जब आप सो रहे हैं ड्रीम हेल्प्स अस स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेज सपने हमें हेल्प करते हैं सोने में जब चारों तरफ आवाज है या फिर कोई दूसरी डिस्टर्बेंस हो रही है ड्रीम में रिविल समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम ड्रीम कई बार किसी की प्रॉब्लम के बारे में भी बताते हैं बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर लेकिन एक जो बड़ा ही मिसकनसेप्शन है कि ये सपना आया तो आगे ये होगा ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताते अब हम बात करते हैं वॉट इज द ड्रीम एक सपना है क्या इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस वेन वी आर असली ड्रीम्स कुछ नहीं है सिर्फ आपके माइंड की कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपके माइंड में होती है जब आप सो रहे हैं सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट कुछ ड्रीम्स उनमें से पॉसिबल है मतलब आपके साथ कुछ चीज़ें अगर सपने में भी हो सकता है कभी रियल में हो जाए लेकिन बाकी नहीं होते कुछ एक की हम बात करें दैट ओनली मीन्स इसका मतलब सिर्फ ये है दैट मैनी ऑफ द थिंग्स कई चीज़ें दैट हैपन इन ड्रीम्स जो सपने में आपने देखी हो कुड हैपन हो सकती है वेन वी आर अवे जब आप जाग रहे हो अदर्स कुड नॉट बाकी नहीं हो सकती ड्रीम्स सीम टू बी जैसे कि आप कई बार सोचते हैं कई बार सोची हुई चीज़ हो जाती है कई बार नहीं होती सेम ड्रीम्स के साथ भी है ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर सेवरल रीजन सपने आना जरूरी भी है कुछ कारणों से वन इज़ दैट एक तो ये है अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेज आपके चारों तरफ अगर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत शोर है आवाज़ आ रही है तो उस टाइम पर आपको सोने में हेल्प कौन करता है आपके ड्रीम्स अगर आपको सपना आ रहा है तो भी आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे आपकी नींद नहीं खुलेगी सोते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स जैसे अलार्म क्लॉक बजती है बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोल डोर बेल इज़ रिंगिंग ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि टेलीफोन बज रहा है लेकिन दिमाग आपका ये आपको सप सपने में ये दिखाएगा कि कोई डोर uh, बेल बज रही है या आपका फ़ोन रिंग कर रहा है और फिर आप उसी को ही सपने को आगे कॉन्टिन्यू करेंगे जब आपका अलार्म बंद हो जाएगा एंड दैट वी आर अवे कैन आंसरिंग इट और जैसे कि आप उठे हुए हैं और आपने दरवाजा खोला आपने फोन उठाया आप उसको आंसर कर रहे हैं तो दिमाग आपका जो है ड्रीम में आपको ये दिखाएगा सर्टिन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके सपने वो काफी हद तक बताते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में एंड दैट इफ अंडरस्टुड करेक्टली और अगर आपके सपने को अच्छे से समझा जाए दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ़ दोज प्रॉब्लम्स वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बता सकते हैं बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर बताने में आपके साथ आगे क्या हो रहा है होना है उसके में हेल्प नहीं करते द सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर वो कभी भी आपका फ्यूचर नहीं बता सकते हैं स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मैनी ऑफ फर्स्ट रियली थिंक अबाउट इट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप स्लीपिंग बहुत कॉमन है सभी सोते हैं कॉमन एक्सपीरियंस है लेकिन क्या हमें से कभी कोई सोचता है कि ये कितनी वंडरफुल और कितनी पावरफुल चीज़ है मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप्स कई जो पोएम पोएट्स हैं उन्होंने पोएम लिखी है स्लीपिंग के बारे में सोने के बारे में नींद के बारे में Here इज वन इन विच द पोएट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ falling अ स्लीप यहाँ पे एक पोएम है जिसमें कि एक पोएट ने एक्सप्लेन किया है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब वो सोता है रीड इट अलाउड ये आपको पढ़नी है पोएम का नाम है लाइट्स आउट आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज their वे हाउ एवर स्ट्रेट और विंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज आई हैव कम टू द बॉर्डर of स्लीप अब मैं नींद के बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया हूँ मतलब कि बिल्कुल सोने ही वाला हूँ जो कि एक अनफाथमेबल अनफाथमेबल मतलब होता है जिसको मेजर ना किया जा सके जिसको नापन ना पना जा सके वो इतनी गहरी नींद में मतलब कितनी गहराई तक मैं जा सकता हूँ इसको कोई मेजर नहीं कर सकता फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज ये एक जंगल है ऐसा जिसमें सभी लोग खो जाते हैं जब नींद में जाते हैं देर वे उनका रास्ता भूल जाते हैं हाउ एवर स्ट्रेट चाहे वो रास्ता कितना भी सीधा हो या फिर विंडिंग हो घुमावदार हो सून और लेट जल्दी या फिर लेट आप जो है उसमें नींद के रास्ते में खो जाएंगे दे कैन नॉट चूज और क्या उनको करना है आपके पास कोई चॉइस नहीं होती जैसे कि जब आप सपने देखते हैं तो सपनों पे आपका कंट्रोल नहीं होता वो जिधर जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे अपने आप ही सब कुछ होता है देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाव टू गो इन टू द अन नोन आई मैंडर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ देर इज नॉट एनी बुक कोई भी ऐसी किताब और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक या फिर कोई भी ऐसा चेहरा चाहे कितना भी प्यारा हो ऐसा है ही नहीं दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाव कि जिसकी तरफ मैं टर्न करूँगा इसके बाद टू गो इन टू द अन नोन अब मैं बिल्कुल अन नोन की तरफ जा रहा हूँ ऐसी जिस ऐसी उसमें जा रहा हूँ जिसको मैं जानता ही नहीं क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहता उठने के बाद तो क्या होता है तब पता ही नहीं आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन मैं उसमें एंटर भी करूँगा और अकेला ही फिर उसको लीव भी कर दूँगा जब जाग जाऊँगा तो उससे बाहर भी आ जाऊँगा आई नो नॉट हाउ मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे होता है कैसे मुझे नींद आती है कैसे मैं उसमें जाता हूँ क्या है वहाँ पर कुछ नहीं पता एडवर्ड थॉमस ने ये पोएम लिखी है अनदा चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है आपका होपफुली कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपके मिले होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग